दिखाए जरा बहुत अच्छा। अच्छा जब खुदा के खादिम कहते हैं हवाला पढ़ने के लिए तो कोशिश किया करें बारी बारी सब उसे रीड करें। आमीन हालेलुया। वर्शिप करने से किस किस को बरकत मिली है आज? आमीन। नारा चल रहा है हालेलुया 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 हालेलुया। कलाम की बारिश हम पर होने को है, क्या आप तैयार हैं? रिसीव करने के लिए तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। जितने बाहर भी मौजूद हैं अंदर मौजूद हैं बड़े गौर से खुदा के कलाम को सुनना है, सीखना है और समझना है। दाहिना हाथ जरा उठाएं, दाहिना हाथ। हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड। दाम बोले मुस्कुरा कर बोले यस इंग्लिश में यस। लास्ट से लास्ट संडे मैंने क्या मैसेज दिया था? याद है वे या नहीं? याद है ताले को लूत की बीवी को किन्नु याद रखना है? लूत की बीवी को रखे आज के भूल गए हो किन्ने किन्ने याद रखे? वेरी गुड। लूत की बीवी को याद रखो, ये किसी नबी ने नहीं कहा, किसी रसूल ने नहीं कहा, ये बल्कि हम सब के खुदावंद यसु ने कहा है कि लूत की बीवी को क्यों याद रखो? क्योंकि आखिरी वक्त में वही सारा माहौल होगा, वही सब कुछ होगा जो लूत के जमाना में था। किसके जमाना में था? लूत के बारे में जानते कौन कौन जानते? कौन था? इब्राहिम का क्या था? भतीजा था। क्या था इब्राहिम का? भतीजा। क्या था इब्राहिम का? भतीजा। याद रहेगा आप लोग मेरे साथ निकाले पैदाइश की किताब। उन्नीसवां चैप्टर निकाले इसे पेश करके इस टॉपिक को शुरू किया जाए। मैं चाहता हूं कि चंद एक बातें जो है वो की जाए। आप सब न्यूज़ चैनल देख रहे हैं और पाकिस्तान के हालात भी आप देख रहे हैं कि किस तरह दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियों के साथ ज़्यादती की जा रही है, वाकया है और भी बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं। हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की कंडीशन हो चुकी है कि हर शख्स परेशान और कोई भी इस वक्त सेफ नहीं। बेहुरमती की जा रही है, ऐसे वाकया जो हम सुन भी नहीं सकते वो भी इस अपने मुल्क में बल्कि कराची शहर में भी हो रहे हैं। ऐसा होगा आखिरी जमाना में, ऐसा ये सुन। पर तुम लूत की बीवी को याद, तुमने पीछे मुड़कर यहां से क्या होना है? निकलना। वाकया सुनते हैं दिल खून के आंसू रोता है और यही दुआ करते हैं कि खुदा हम सबको अकल और हदायत फरमाए। बात यहां पर औरत या मर्द की नहीं है, बात यहां पर जुल्म की है कि जुल्म हो रहा है। सिर्फ बच्चियों पर नहीं बच्चों पर भी जुल्म हो रहा है। अगर यहां तक बात देखी जाए जो हॉस्पिटल से बच्चे छोटे छोटे किडनैप कर दिए जाते हैं बच्चियां, वो कौन करता है? खवातीन होती है। तो इस तरह के दरिंदे हमारे पाकिस्तान के अंदर हमारे मुल्क के अंदर घूम रहे हैं और इस वक्त हालात ऐसे। मैं आप सबसे कलाम शुरू होने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी हिफाजत करें, अपनी बच्चियों की बेटे बेटियों की हिफाजत करें, क्योंकि हम अगर हिफाजत नहीं करेंगे तो याद रखें शैतान भेड़िया हमें फाड़ डालेगा, हमें काट डालेगा
और हमें खुदा से दूर करें और हमने खुदावन के करीब होते जाना। हालेलुया, हालेलुया। दुनिया के हालात इस वक्त बहुत खराब है। ये ना सोचे कि ये सिर्फ पाकिस्तान में है, बल्कि इंडिया चले जाए, एशिया, अमेरिका चले जाए, कहीं भी चले जाए, इस तरह के वाकयात आम हो चुके हैं। इस तरह के जो हालात है वो आम हो चुके हैं। सो केयर करें हर एक चीज़ की। लूत के ज़माने में जो कुछ हो रहा था अभी भी उसी तरह का दौर चल रहा है। 19:13 से कोई भी पढ़ने में रहनुमाई है, अगर माइक ले लेंगे तो ये अच्छी बात। क्योंकि हम इस मुकाम को नेज करेंगे इसलिए कि उनका शोर खुदावंद के हजूर बहुत बुलंद हुआ है और खुदावंद ने उसे नेज करने को हमें भेजा है। यहाँ पर फरिश्ते आए हैं और वो आकर कहने लगे हैं लूत से कि इस गुनाह का जो शोर है खुदा के कानों तक पहुंचा। कहां तक पहुंचा है? इतना गुनाह बढ़ चुका, ये जो ईसा नगरी के करीब वाकया हुआ है, दिल दहला देने वाला, 5 से 6 साल की बच्ची, इस कदर गुनाह उस जगह पर भी हो रहा था कि उसका जो शोर था खुदा के कानों तक आया और खुदा ने फरमाया कि मैं इसे नेस्त कर दूंगा, मैं इसे खत्म कर दूंगा, मैं इसे नाबूद कर दूंगा, मैं इसे रहने नहीं दूंगा, मैं खत्म कर दूंगा इसे, मैं इसे बर्बाद कर दूंगा, मैं इसे मिटा दूंगा। और कलाम में लिखा है दुनिया का खात्मा जल्द देर ना होना है, तुम होशियार और क्या हो जाओ, बेदार हो जाओ, सुस्त कुवारी ना बनो बल्कि बोले 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 लेडी कुवारी बनना है। अब यहां पर वाकया क्या हुआ है, मैं कहां लाना चाह रहा हूं, जी तब लूत ने बाहर जाकर अपने दामादों से कहा जिन्होंने उसकी बेटियां ब्याही थी, दामादों से कहा जी, बातें की और कहा कि उठो और इस मुकाम से निकलो। अब यहां पर वो ये जान चुका है कि खुदावंद इसे तबाह करने वाला है, नेस्त करने वाला है, मिटाने वाला है। लूत ने जाकर अपने दिमागों से कहा कि यहां से निकलो, यहां से हमने बाहर निकलना है, जाना है, क्योंकि इस जगह पर आग आने वाली है, गंधक आने वाली है, सब कुछ मिटने वाला है। फिक्र कर रहा है इब्राहिम और इब्राहिम का भतीजा। इब्राहिम आप जानते हैं कि कौन है, मोस्ट इंपोर्टेंट बाइबल और पूरी दुनिया में वो ईमानदारों का बाप समझा जाता है, गैर कौम के लोग भी उसे मानते हैं। इब्राहिम उसके घराने का उसका भतीजा और उसके दामाद, किस कदर रिलेशन है। अब यहां पर दामादों को बताया गया है और क्या हुआ जी, क्योंकि खुदावंद इस शहर को नेस करेगा जी, लेकिन वो अपने दामादों की नजर में मुजहक सा मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ, क्या मतलब है बताएं, क्या मतलब है? लगा साडा जेड़ा शोर है ओदा दिमाग तेरे का पागल हो गया, वो मजाक उड़ाने लगे, वो हंसने लगे, वो कह रहे हैं कि खुदा इसे बर्बाद कर देगा, नेस कर देगा, यहां से निकलो। दामाद मजाक उड़ा रहे हैं, बेटे मजाक उड़ा रहे हैं। और आज भी बहुत सारे लोग जब खुदा के खादिम ये बताते हैं कि यीशु जल्द आने वाला है, बादशाही के लिए तैयार हो जाओ, तो मजाक उड़ाते हैं। क्यों उड़ाते हैं, क्या उड़ाते हैं, मजाक। याद रखे जब खुदा ने नूह को कश्ती बनाने का काम दिया
और 100 साल वो मुनादी करता रहा, बताता रहा, तो लोग उसका क्या उड़ाते थे? क्या उड़ाते थे? बुढ़ा पागल हो गया, पता नहीं की कह दिया है, मसाक। खुदा के कलाम को संजीदगी से ना लेना उसका मजाक उड़ाना होता। दमाग लूत का मजाक उड़ा रहे, पता नहीं की कह दिया अंकल, क्यों कह दिया सन, पता नहीं की हो गया, सीधे थी रहेंगे सामते थे, सुकून मिल गया सामते थी, सारी चीज़ा मिल दिया नहीं, असी का तो इतों बाहर जाइए, कोई तबाह नहीं होना। आज भी बहुत सारे लोग इसी गुमान में इस दुनिया में जिंदगी गुजार रहे हैं कि दुनिया में कुछ भी नहीं होना, दुनिया इंजी चल दी जाएगी। बहुत सारे लोग इस सोच में अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि दुनिया तबाह होने वाली है। आमीन। दुनिया की होना लिए कहते बारिश आएगी, पानी आएगा, तुम डूब जाओगे, कहते ने ना बादल नहीं ना कोई और चीज है। कलाम कहता है कि ओदा मसा उड़ाया गया, पर जितन कश्ती का दरवाजा बंद हो गया ना, फिर उन्होंने सारा मजाक ही हो गया, निकल गया सारा मजाक, निकलिया सी के नहीं सी निकले, निकल गया। ओदन फिर कहते ने दरवाजा खोल भाई असा अंदर आना है, ओदन फिर डुबन देने मरन देने हलाक हो रहे ने। लूत के दमाद भी वहां नेस्त तबाह हो गए क्योंकि उन्होंने उसका मजाक और वहां से नहीं निकले। याद रखें हमने भी यीशु की कश्ती में बैठना है और आसमान की बादशाही तक जाना है। हालेलुया। कौन कौन बह चुका है हाथ फिर उते करो, कौन कौन कश्ती च बैठा है, कितने बैठे हो नाल वाले को कश्ती च बैठे, ये कश्ती चलन नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। यही कश्ती ने सानू उते चुकिया है, इस दुनिया तो कितों चुकिया है, उते चुकिया है, इतों ही असा कितने दूर जाना है। हालेलुया। जो अग के गोले आए तो उन्होंने मजाक की हो गई, निकल। खुदा के खादमों का इस बात में मजाक उड़ाना कि पता नहीं ऐसा होगा या नहीं होगा, पर मैंने भी बहुत सारे ऐसे वाक्यात सुने हैं पढ़े हैं कि नहीं मानते। आज का इंसान इस बात को नहीं मानता और इस दुनिया के रंगों में ऐसा खो चुका है कि इस दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन आज का कलाम हमें यह सिखाता है कि दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया नेस्त हो जाए, जिसके लिए हम सब कुछ भो रहे हैं उसका कुछ फायदा नहीं है। आए अपने आप को हमेशा की जिंदगी के लिए तैयार करें। हालेलुया। यीशु आने वाला है, कर लो तैयारी। बैकस्लाइड, मैंने दो चीजें बताई थी कि बैकस्लाइडेड जब इंसान होता है दो चीजों का उसे सामना करना पड़ता है, याद है आपको? अब याद रखिए, एक तो बंजर जमीन उसको मिलती है और दूसरा उसको क्या मिलती है? सुअर मिलते हैं। मूसा बेटे को ये दो चीजें मिली, एक तो उसे बंजर जमीन मिली जहां पर वो मेहनत भी करता था, सब कुछ मिलता करता था, लेकिन उसको मिलता कुछ भी नहीं था। सुअर मिले, जो सुअर चराता था वही चीजें उसे खानी पड़ती थी, यानी बदरुए। ये दो चीजें जो शख्स बैकस्लाइड होता, जो मसीह में आकर फिर पीछे जाता है, ये सारी चीजें उसका पीछा करते। पर मेरे अजीजों आज वक्त है कि हम इन चीजों से निकलें। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब कहा जाता है कि यहां पर खड़े होकर या वैसे भी कि टिकटॉक छाड़ दो, तो की बनाया जाता है, की बनाया जाता है आदरिया, तो पता नहीं की हो गया। अजकल का दौर है, अजकल का की है, चलता है सब कुछ। क्यों कहा जाता है? क्योंकि कलाम में लिखा है दुनिया के हम शक्ल, आवाज नहीं आ रही, दुनिया के हम शक्ल या दुनिया के हम शक्ल बनो। जेड़ी नवी चीज आएगी
ईमानदार भी करेगा कि मैं भी इनको की कर ला हासिल कर की बना देने फिर मजाक उन्हें आप ही बुढ़े हो गए ने सानू इंजॉय करें हमने खुश रहना है पर किसमें खुश रहना है हालेलुया हालेलुया कोई अच्छी चीज करो तो थानू मना कई बार कई लोग कहते हैं कि फलाना पादरी भी तो नहीं कहता फलाना पादरी नहीं कहता तुसी का तो कहते याद रखे जो आपसे प्यार करते हैं वो आपको भूलेगा जिन्हों तुहाडा कोई लगाव नहीं है ना वो कहेगा जो मर्जी करते रहो भावें अस दुनिया च ही रही हो कोई फायदा मैनू बस अदिया नजराना दे दिया करो तो तुम इंजी जिंदगी गुजारो जिन्हों वाकई दर्द होगा कि मैं कलीसिया को समान से लैके जाना वो केक जे लूत ने अपने दमातों को कहा जे नूह ने उन लोगों को कहा कि बच जाओ आज भी खुदा के खादिम कहते हैं उन चीज़ों से क्या आ जाओ मैंने देखा कि एक लड़का एक गीत का मजाक उड़ा रहा गीत चल रहे हैं पीछे बोल रहे हैं मजाक उड़ा रहे व्हाट इज दिस क्या हम नहीं जानते कि क्या हो रहा फिर उसके बाद जो बेहुर्मती है वो अलग क्या बेहुर्मती है कि पहले गली में रहने वालों को या इलाके में रहने वालों को पता नहीं था होता इस घर में बेटी है क्या करती सोशल मीडिया उसने बाहर निकाल दिया उसने दुनिया को दिखा दिया कि भाई व्हाट आई एम मैं क्या हूं बेहुर्मती है कि नहीं बताइए जवाब नहीं देंगे हालेलुया हालेलुया क्यों ऐसा मैं हंस रहा था अकेला बैठा हुआ मेरी वाइफ आके कहती क्या हुआ हंस रहा मैं बस तो मैंने कहा पहले तो सिर्फ जहाँ पर मतलब सेटअप लगता था वहाँ शूटिंग होती थी अब तो हर घर में शूटिंग हो रही है शैतान ने सब एक्टर बना दिए की बना दिए हर बंदा एक एक्टर बन गया तो हर बंदा एक हीरोइन बन गया ऐसे ही है कि नहीं है दसो शैतान ने बनाया कि नहीं बनाया शैतान कहता तेरे जहा खूबसूरत कोई भी तेरे जी गल किसी के अंदर नहीं और हमें इन्हीं चक्रों में इस दुनिया में क्या करना चाहता है फंसाना चाहता है घेरना चाहता है कभी भी वो में यस्सु के साथ रहने नहीं देगा बल्कि उससे अलग करेगा ये मैं बता रहा हूं उसके हथियार जो चलाता है और इन हथियारों को आपने तोड़ना है जो आपको और यस्सु मसीह के दरमियान में जुदाई पैदा करता है की करना है की करना है तैयार हो के नहीं इतनी हिम्मत है कि हम तोड़ें हालेलुया हालेलुया कहें शैतान दूर हो लीजा की आवाज नहीं आ रही बोले ऐ शैतान दूर हो ऐ शैतान दूर हो और हमने मसीह में आगे बढ़ना है आज के दौर की बात करते हैं कि हमने मसीह में आगे मुश्किल जिन तुसी अगे बढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीजें तुहानू पिछे नू लेके जाणगी बैक स्लाइड दोबारा पीछे की तरफ आप जानते हैं कि यहूदा इस्करियोती 3.5 साल यीशु मसीह के साथ रहा और उसने यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा वो यीशु मसीह से सीखता था यीशु मसीह के साथ रहता था खाता पीता यीशु मसीह के साथ था सोते भी साथ थे और हर जगह यीशु मसीह के साथ साथ थे तो शैतान ने उसके दिमाग च की पाया शैतान ने की पाया पैसा उसके दिमाग च की आया
एक पैसा भी ऐसी चीज है जिहड़ा तुहानू खुदा तो की करदा है, लालच जिहड़ा पहला करदा सी फिर उहदे अंदर आ क्या, मैं ते बड़े पैसे कमाना सी, मेरे को ते बड़े पैसे हुंदे सी। शैतान ने उहदे दिमाग च पाया ते वह पहुंच गया फरीसी। इतों तक उन्हें अपने उस्ताद का की कर दिता, सौदा कर, जिन्ना भी साढ़े तीन साल समझाया वो सारा गया। फिर उन्हें पिछे की तरफ देखा, वही लालच, वही लालच, वही चीज दोबारा उसके माइंड में आना शुरू, दोबारा शैतान ने उसके ऊपर हमला करना शुरू। और वो उठा है, उन्हें जाके उन्होंने पैसे तो सारे राज जाके दस दिए। उसने अपने उस्ताद को, अपने टीचर को सेल आउट कर दी। हम कई बार पैसों के पीछे खुदा को छोड़ देते, सेल आउट कर देते कई बार। मैं आपको बताऊं कि एक तो होती है दुनियावी बात, चर्च लीडरशिप आज पैसों की वजह से लड़ाइयां, आर यू इमेजिन कितनी वजह, तो कायदे आज़म क्या बोलो, क्या है लड़ाइयां। पिछले दिनों किसी ने ग्रुप के अंदर एक वीडियो से, एक एल्डर साहब वो लोग कह रहे थे इन्हें पैसे उन्हें पैसे यह चीज़ आप इतनी हिम्मत, पुट को गलत यूज किया था, पैसों का बड़ा वो है। और ये लालच इंसान को क्या करता है, की कर देता है। तबाह कर दिया कि उसने फांसी ली, अंजाम की है, अंजाम की है, गुनाह की मजदूरी, गुनाह की मजदूरी, सब बोले गुनाह की मजदूरी। नूह के जमाने जिन्होंने मजाक उड़ाया उन्होंने की मिली, लूत के तमाक ने मजाक उड़ाया उन्होंने की मिली, जिन्हें यसू नू सेल आउट किया उन्हें भी मिली। सो अपने लिए मौत ना खरीदे बल्कि जिंदगी को खरीदे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यसू के नाल चल रहा सी, रोटी भी मिल रही सी, इज्जत भी मिल रही सी, सब कुछ मिल रहा सी, एवरीथिंग खुदा दे रहा सी, हर एक जरूरत पूरी हो रही सी, वैल्यू अलग सी। पर उन्हें क्या एक ही बार मुर्गी हला है, जी सोने की अंडे की मुर्गी है, एक ही आरती करो। लालच क्या है, लालच क्या है, कलाम जी के लालच बुत परस्ती के बराबर है, लालच बुत परस्ती के बराबर है। यहां दो शख्स का मैं जिक्र करूंगा, अमाल की किताब के पांचवें भाग, जो खुदा के साथ चल रहे हैं, जो वफादारी के साथ चल रहे हैं, जिन्होंने अहद किया है कि हम खुदा के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और जब ये हमारी जगह बिकेगी तो हम खुदा के घर जाएंगे और खुदा को जाकर ये देंगे। दो शख्स ने अहद किया था, मियां बीवी थे, कौन थे, मियां बीवी, कौन थे, मियां बीवी, साथ वाले को कहीं हनन्याह और सफीरा। अब इनका एंड कहां हो रहा है, इनका एंड मौत में हो रहा है। क्यों हुआ है, क्योंकि इन्होंने वहां पर खुदा के खादिम के सामने यानी खुदा के सामने झूठ बोला है। की बोलिया है, झूठ बोला है। और कई बार हम समझते हैं कि ये जो झूठ है ना, ये हमें खुदा से अलग नहीं करता, झूठ जो है ना कारोबार के विच भी चला है, डंडी मार, टाइमिंग थोड़ी 9:30 दी है, तुसा जाके लेके दी है भाई, मैं 9 बजे आया सी। ये छोटी छोटी चीजें भी खुदा आपकी लाइफ में गौर करता है। रंग वाला बढ़ जाए तो निकल देंगे,
दो दिन का काम है तो दस दिन च उन्हें की करना है। ये छोटी छोटी चीज, मिस्त्री आइए वो तो कहना मैं इतने साल रह गया है कोई मिस्त्री। बेदियानतदारियां, झूठ, ये कई बार हमें नजर नहीं आती, ऐसे कहने खैर है खैर है खैर, पर ये चीजें भी हमें खुदा से दूर करती और मौत की तरफ लेकर जाती। यहां क्या वाकया हुआ है, यहां पर पहले कौन आया है, शोहर आया, उसे को पूछा गया कि भाई इन्ने दी जगह बिकी सी, उन्होंने कहा हाँ इन्ने दी बिकी सी, हालांकि उन्होंने जिन्ने दी बेची सी अद्धे पैसे उन्होंने की कर ले, अद्धे पैसे की कर ले साढ़े की आन गए। उस तो पहला जब तक बिकी नहीं सी वो जगह उन्ना दी सी, सब कुछ पैसे भी उन्ना दी सी, लेकिन जब उन्होंने इस गल का इकरार किया सी कि असी गोदाम जाएंगे ते अदे उन्होंने कहा इन्ने की करने ने, खुदा ने इन्ने की करने ने, बस अदे दे देंगे पादरी नु की पता च एंजी तो पादरी के भोले होंगे ना उन्होंने की पता किड़े हिसाब किताब उन्होंने कि असी दे देंगे बस, पर वो नहीं जानते कि उन्होंने खुदा के साथ क्या किया है। ईमानदार है, कोई ऐसा कोई गुनाह नहीं है कुछ भी, सिर्फ आकर यहाँ पर लालच और झूठ बोल, क्योंकि लालच हमसे क्या बुलवाता है, लालच क्या बुलवाता है, फिर ज्यादा पैसे कमाने वास्ते झूठ बोलो, ज्यादा पैसे कमाने वास्ते झूठ फिर बोलना पैदा, फिर की करिए कारोबार हैं जी। पर कलाम हमें मना करता है, कलाम क्या करता है, ये चीजें हमें बैक स्लाइड करती है। एक ईमानदार शख्स अगर झूठ बोले तो ये अच्छी बात है, क्योंकि जहर चाहे बड़ा हो छोटा हो, जहर भावे कतरा पियो तजाक का या पूरी बोतल पियो, जहर जहर। हमने अपनी लाइफ में गौर किया, उसके बाद उसका वहां पर ही इंतकाल हो गया है, वो मर चुका है, बंदे आए ने हम चौके रह गए, उसके बाद उसकी बीवी आई है पूछती है, उसकी बीवी नू पत्रस साहब ने कहा है कि यह जगह मेरी भैन इन्हें ची वेखी सी, उन्हें की क्या दसो, उन्हें की क्या, उन्हें क्या हाँ इन्हें दी वेखी सी। पतरस कहते क्यों तुसा दोवें ने मिल के यह सोचा, कई बार मिली भगत साड़ी बड़ी होगी, मैं इंज कहंगा तो तू ही इंज ही कही एंजी, पर जो अच्छा शौहर या अच्छी बीवी होती है वो मना करती है, नू ये काम सही, उस साहब मना कर दिया नहीं इंज नहीं करनी यह काम सही, पर वो भी नाल मिली हुई सी, उन्होंने भी लालच सी कि भाई चल रख लांगे और क्या हो, उसने भी मौत को हासिल, उसने भी झूठ बोला और मौत को हासिल, उसने भी लालच किया और मौत को हासिल, और वहां ही दोनों मर गए। गुनाह की मजदूरी चंगे पले खुदा के नाल चलन दे सके, खुदा ब्लेसिंग भी दे रहा है, पर उनकी लाइफ में जब गुनाह आया यानी लालच आया और झूठ आया तब वो फना हो गए और वो एक नमूना बन गए हैं ताकि दूसरों को बताया जाए कि कभी आपने ऐसा नहीं किया। अगर कोई सब देख रहे होंगे तो वो कह रहे होंगे कि यार हमारे ऊपर ही वैसे, अगर उस वक्त हम ये ना करते तो ऐसा ना। बाद में इंसान क्या करता है, सोचता है कि नहीं सोचता, कहे हालेलुया सब कहे हालेलुया। सो हमने इस दुनिया में रहते हुए अपने आप को दुनिया से अलग करना है, ऐसा नहीं है कि हम जंगल में चले जाएं, ऐसा है कि हमने रहना भी यहाँ है और हमने दुनिया में दिल भी नहीं लगाया। कलाम में लिखा है जो दुनिया से दोस्ती करते हैं वो खुदा से आवाज़ नहीं आती,
अपने साथ वाले से ये आयत कोट करें जरा। क्यों दानियल? हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। तिथे ना दोस्ती लानी है, तिथे ना दोस्ती लानी है, खुदा से दोस्ती लानी है। वो आपको लेने के लिए आ रहा है, हमारा दोस्त भी है और दूल्हा भी है। हालेलुया हालेलुया। या मेल फीमेल की बात नहीं हो रही, बल्कि हर ईमानदार की बात हो रही है। केड़ी केड़ी दुल्हन तैयार है? मैं भी दुल्हन तैयार है, रेडी हो रहा। मैं रोज किसी और बात के लिए आपके लिए दुआ करूँ ना करूँ, पर मैं इस बात के लिए ज़रूर दुआ करता हूँ कि खुदावन कलीसिया के हर एक मेंबर को अपनी आमद के लिए तैयार करें, अपनी बादशाही के लिए तैयार करें, ताकि ऐसा ना हो कि कलीसिया के चंद लोग चले जाएं और चंद इस दुनिया में रह जाएं। सब लोग तैयार हों, बेतार दुनिया के कामों से, दुनिया के रंगों से निकलें और खुदावन की बादशाही के लिए तैयार। आए अपने सिर को झुकाएं, अपनी आँख